हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू दिस न्यू सेशन ऑफ मैट्रिसेस डियर स्टूडेंट्स आज हम लोग मैट्रिसेस का लेक्चर सिक्स को डिस्कस करेंगे इसमें हम लोग बेसिकली मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे इसके बाद में ट्रांसपोज ऑफ़ मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे एंड देन ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स से रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज़ उस प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कस करेंगे साथ साथ में उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स को भी डिस्कस करेंगे तो आप इस सेशन पर शुरू से अंत तक बने रहिए एंड अगर आप इस सेशन को अटेंड करते हैं देन इट इज़ एडवाइजेबल कि आप इस सेशन को पेन एंड पेपर पर पे अटेंड करें जिससे कि आपको ये जो भी कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे वो सारे कॉन्सेप्ट आपको पूरा क्लियर हो तो बच्चों चलिए सेशन को हम लोग शुरू करते हैं एंड इस सेशन को शुरू करने से पहले अगर आपने ये सेशन को अगर आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड जो भी हम लोग रेगुलरली वीडियोस अपडेट्स कर रहे हैं उन सारे वीडियोस को आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं तो चलिए बच्चों इस सेशन को हम लोग शुरू करते हैं ठीक है देखिए आज हम लोग क्या करेंगे लास्ट क्लास में जो हम लोग मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन को डिस्कस किया था आज उसके प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस एंड प्रोडक्ट ए वी इज डिफाइंड दैट मीन्स नंबर ऑफ रो कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी देन द प्रोडक्ट ए बी इज डिफाइंड यानी ए का कॉलम और बी के रोज़ क्या होने चाहिए इक्वल होने चाहिए तभी प्रोडक्ट ए भी डिफाइंड होगा साथ साथ में मैंने आपको ये बताया था कि मैट्रिक्स जो होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है दैट मीन्स ए इंटू बी इज़ नॉट इक्वल टू बी इंटू ए ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि मैट्रिसेस का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करेगा अगर ए और बी दो मैट्रिसेस है तो ए इंटू बी इज़ नॉट इक्वल टू बी इंटू ए इसी में कुछ प्रॉपर्टीज और देखते हैं पहला प्रॉपर्टी है बच्चो एसोसिएटिव लॉ ठीक है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है कैसे फॉलो करता है देखिए लेट ए बी एंड सी आर थ्री मैट्रिसेस ए बी सी थ्री मैट्रिसेस है ठीक है तो हमारे पास ये जो प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव लॉ का कि मैट्रिक्स ए इंटू बी होल ब्रैकेट इंटू सी इक्वल टू मैट्रिक्स ए प्रोडक्ट ऑफ बी एंड सी ठीक है यानी एसोसिएटिव लॉ यहाँ पर हमें फॉलो हो रहा है एसोसिएटिव लॉ कैसे फॉलो होगा आपको ध्यान रखना है कि ये इक्वल तभी होगा जब ए बी का प्रोडक्ट डिफाइन हो बी सी का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए डिफाइन होना चाहिए प्रोवाइडेड मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिस ए बी एंड बी सी आर डिफाइंड यानी ए इंटू बी का प्रोडक्ट डिफाइन होना चाहिए बी इंटू सी का भी प्रोडक्ट क्या होना चाहिए डिफाइन होना चाहिए साथ साथ में ए इंटू बी का जो प्रोडक्ट है उसका प्रोडक्ट सी के साथ भी क्या होनी चाहिए? होना चाहिए डिफाइन होना चाहिए एंड ये जो मैट्रिक्स ए है इसका भी प्रोडक्ट बी इंटू सी मैट्रिसिस के साथ में क्या होने चाहिए डिफाइन होना चाहिए तो ये एसोसिएटिव लॉ का ये क्या है पहला पॉइंट है ठीक है बच्चों तो आपको ध्यान रखना है कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जो है एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है आपको बोर्ड में कैसा क्वेश्चन आएगा आपको तीन मैट्रिक्स दे दिया जाएगा और आपको बोलेगा कि प्रूफ करो ये तीनों मैट्रिस का प्रोडक्ट एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है तो आपको ये लॉ को ध्यान रखना है कि ए इंटू बी होल ब्रैकेट सी इक्वल टू मल्ट मैट्रिक्स ए इंटू बी इंटू सी ये एसोसिएटिव लॉ है नेक्स्ट क्या law, है बच्चों डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ठीक है मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो करता है कैसे तो देखिए लेट ए बी ए बी एंड सी आर थ्री मैट्रिसेस ए बी एंड सी जो है थ्री मैट्रिसेस है तो मेरे पास में एक पहला प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का कि मैट्रिक्स ए इंटू ब्रैकेट बी प्लस सी ठीक है इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी यानी ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी ये पहला डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है सेकंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या बोलता है कि ए प्लस बी का सम है उसका प्रोडक्ट अगर सी मैट्रिक्स के साथ करेंगे दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैट्रीसीस ए इंटू सी प्लस प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसीस बी इंटू सी ठीक है बच्चों तो ये दो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ये आपको ध्यान रखना है और ये सारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तभी डिफाइन होगा प्रोवाइडेड द मल्टीप्लीकेशन इज़ डिफाइंड मल्टीप्लीसन डिफाइन होने का क्या मतलब हुआ मैं आपको समझाता हूँ मल्टीप्लीकेशन डिफाइन होने का मतलब है कि बी प्लस सी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट ए के साथ में डिफाइन होना चाहिए ठीक है ए इंटू बी का प्रोडक्ट डिफाइन होना चाहिए प्लस ए इंटू सी का प्रोडक्ट डिफाइन होना चाहिए प्रोडक्ट कैसे डिफाइन होगा जब भी दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट करते हैं तो पहले वाले का नंबर ऑफ कॉलम्स एंड सेकेंड वाले का नंबर ऑफ रोज क्या होने चाहिए इक्वल होने चाहिए और अगर दो मैट्रिकस का सम करते हैं या दोनों दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन करते हैं इन दैट केस दोनों का ऑर्डर क्या होता है सेम होता है तो इस तरह से हम लोग ये सब कंडीशंस को ध्यान रखेंगे तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी क्या करेगा फॉलो करेगा ठीक है एक और प्रॉपर्टी ये है बच्चों कि फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए दे आर एग्जिस्ट एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर सच दैट आई इंटू ए इक्वल टू ए इंटू आई इक्वल टू ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए होगा ठीक है तो उस स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए सेम ऑर्डर का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा ठीक है और उस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगर ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर हो जाएगा मैट्रिक्स ए के बराबर होगा मैं एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ अगर मान लो एक मैट्रिक्स लिया वन टू जीरो वन ठीक है वन टू ज़ीरो वन अगर मैंने आई ले लिया यहाँ पर मैं आई का वैल्यू पता है जीरो वन जीरो जीरो वन ठीक है ये आई मैट्रिक्स हो गया अब इन दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वापस किसके बराबर हो जाएगा ए के बराबर होगा ठीक है तो वही प्रॉपर्टी यहाँ पर मैं लिखा हुआ है कि फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ओ ए हो दे आर एग्जिस्ट एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का मिलेगा सच देट आई इंटू ए इक्वल टू ए इंटू आई इक्वल टू ए यह भी प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखना है नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है बच्चों की अगर ए और बी दो मैट्रिकस है और दोनों का प्रोडक्ट ए बी डिफाइन हो रहा है और ए इंटू बी का प्रोडक्ट अगर ज़ीरो है ठीक है ए इंटू बी का प्रोडक्ट अगर जीरो है तो उसमें तीन केस हो सकता है कि पहला ए खुद जीरो मैट्रिक्स हो अदरवाइज़ बी खुद ज़ीरो मैट्रिक्स हो अदरवाइज ए और बी दोनों नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स हो और नॉन ज़ीरो मेट्रिकस का भी प्रोडक्ट क्या हो सकता है ज़ीरो ये आपको ध्यान रखना है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये ये प्रॉपर्टी कैसे इंपॉर्टेंट है आप इसको समझ लीजिए कि दो रियल नंबर है तो दो रियल नंबर का अगर प्रोडक्ट ज़ीरो हो रहा है दैट मीन्स उसमें कोई भी एक नंबर ज़ीरो होना पड़ेगा ठीक है मैट्रिसेस केस में ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है यानी अगर ए कोई नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स है बी भी कोई नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स है और दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो उस केस में भी जीरो मैट्रिक्स मिल सकता है आप एग्जांपल देख लीजिए मैंने एक मैट्रिक्स लिया है मैट्रिक्स ए इक्वल टू जीरो टू ज़ीरो थ्री ठीक है मैंने ए मैट्रिक्स लिया है जीरो टू ज़ीरो थ्री मैट्रिक्स बी लिया है वन टू ज़ीरो ज़ीरो दोनों को अगर प्रोडक्ट कर रहे हैं बच्चों तो जीरो इंटू वन प्लस टू इंटू ज़ीरो यानी जीरो जीरो इंटू वन प्लस थ्री इंटू जीरो यानी जीरो जीरो इंटू टू प्लस टू इंटू ज़ीरो यानी जीरो जीरो इंटू टू प्लस थ्री इंटू ज़ीरो यानी जीरो तो आप देख सकते हो कि ए मैट्रिक्स जीरो नहीं है बी मैट्रिक्स भी जीरो नहीं है बट दोनों का प्रोडक्ट ए बी क्या हो गया ज़ीरो मैट्रिक्स हो गया ज़ीरो मैट्रिक्स मतलब वैसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स क्या हैं जीरो तो ये प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आपको ध्यान रखना है कि लेट ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस एंड प्रोडक्ट ए बी इज जीरो मैट्रिक्स इन दैट केस ए मे बी जीरो मैट्रिक्स मे नॉट बी ज़ीरो मैट्रिक्स बी मे बी ज़ीरो मैट्रिक्स मे नॉट बी जीरो मैट्रिक्स तो ये प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको ध्यान रखना है ठीक है बच्चों तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं ये तो प्रोडक्ट ऑफ मेट्रीसियज का हम लोग ने प्रॉपर्टीज को देख लिया नेक्स्ट इसमें बच्चों हम लोग ट्रांस ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की बात करेंगे ठीक है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स पहले इसका बेसिक डेफिनेशन देख लेते हैं कि व्हाट इज ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स लेट ए इज एनी मैट्रिक्स देन द मैट्रिक्स ऑफ बाय इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स ऑफ ए इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए ठीक है यानी ए कोई मैट्रिक्स है और उस मैट्रिक्स के रोज और कॉलम्स को अगर इंटरचेंज कर देंगे तो इंटरचेंज करने के बाद में जो मैट्रिक्स मिलेगा उस मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बोलेंगे ठीक है उस मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स का क्या बोलेंगे ट्रांसपोज इट इज़ डिनोटेड बाई ए टी और ए डैश ए ट्रांसपोज और ए डैश यानी कोई भी मैट्रिक्स हो उस मैट्रिक्स का रोज और कॉलम्स को अगर आप इंटरचेंज कर देते हो तो वैसे केस में जो मैट्रिक्स आपको मिलेगा वो मैट्रिक्स को हम लोग ट्रांसपोज मैट्रिक्स बोलेंगे ठीक है बच्चों तो जैसे मैंने एक मैट्रिक्स लिया है मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे एलिमेंट है एम इंटू एन ऑर्डर का है तो ए डैस जो मैट्रिक्स होगा उसमें रोज और कॉलम्स क्या हो जाएंगे इंटरचेंज हो जाएंगे यानी आई के जगह जे जे के जगह आई तो हो जाएगा ए जे आई ठीक है यहाँ पर मैं रो एम है यहाँ पर मैं कॉलम एन है तो इंटरचेंज हो जाएगा तो क्या बन जाएगा एन इंटू एम तो जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगा ए टी और ए डैश वो इक्वल टू ए जे आई एन इंटू एम रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज तो ये आपको कॉन्सेप्ट है इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है कि कोई भी मैट्रिक्स हो अगर उसका ट्रांसपोज लिखना है तो रोज़ और कॉलम्स को हम लोग क्या कर देंगे इंटरचेंज कर देंगे ठीक है तो जैसे एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं मैंने यहाँ पर मैं डिफरेंट एग्जांपल्स लिया है पहला एग्जांपल को आप देखो एक मैट्रिक्स ए लिया है वन टू एलिमेंट है ठीक है ये मैट्रिक्स जो है बच्चों वन रो एंड टू कॉलम्स का है तो अगर इसको इंटरचेंज कर देंगे तो ये जो रो है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा कॉलम में तो कॉलम में कन्वर्ट हो गया वन टू ठीक है तब इसमें क्या हो गया टू रोज हो गया एंड वन कॉलम हो गया तो आप देख सकते हो कि रो जो था वन टू ये किस में कन्वर्ट हो गया कॉलम में आप जो हॉरिजेंटल लाइन है उसको वर्टिकली आप शिफ्ट कर दो तो वन टू हॉरिजेंटल लाइन था आपने इसको वर्टिकली शिफ्ट कर दिया तो ये वन टू हो गया यानी इसमें वन रो टू कॉलम्स थे तो जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स हो गया ए डैश उसके हम लोग क्या हो गया टू रोज एंड वन कॉलम अगेन अगेन एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चों एक और एग्जांपल देख लीजिए एक मैट्रिक्स ए है वन टू थ्री फोर ठीक है बच्चों ये टू इंटू टू ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो अगर ये टू इंटू टू ऑर्डर का मैट्रिक्स है देन ए डैस इक्वल टू यानी ए ट्रांसपोज तो ये वन टू जो फर्स्ट रो है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा फर्स्ट कॉलम में तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो गया तो ये वन टू हो गया इसी तरह से ये जो सेकेंड रो है थ्री फोर ये सेकेंड रो थ्री फोर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा सेकेंड कॉलम में तो सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट हो गया थ्री फोर ठीक है बच्चों और अगर इसका टू इंटू टू है तो इंटरचेंज करेंगे तो भी कितना हो जाएगा टू इंटू टू ही हो गया तो इस केस में ट्रांसपोज मैट्रिक्स और जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है दोनों का ऑर्डर क्या हो गया सेम हो गया ठीक है रो को कॉलम बना देना है और कॉलम को क्या बना देना है रो बना देना है ये आपको ध्यान रखना है एक और एग्जाम्पल लेता हूँ बच्चों ठीक है तीसरा एग्जाम्पल देखो एक मैट्रिक्स ए लिया हुआ है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इसमें बच्चों नंबर ऑफ रोज कितने हैं थ्री पहला रो दूसरा रो तीसरा रो नंबर ऑफ रोज थ्री नंबर ऑफ कॉलम्स कितने बच्चों नंबर ऑफ कॉलम्स टू है थ्री इंटू टू है तो अगर इसका ट्रांसपोज करते हैं A एस इक्वल टू तो ये पहला रो को इंटरचेंज कर दो पहला कॉलम में तो पहला कॉलम बन गया वन टू इसी तरह से ये जो सेकेंड रो है थ्री फोर इसको सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट कर देना है तो सेकेंड कॉलम क्या हो जाएगा थ्री फोर इसी तरह से ये जो तीसरा रो है फाइव सिक्स इसमें किस में कन्वर्ट कर देना है तीसरा कॉलम फाइव सिक्स में ठीक है तो इसका ऑर्डर थ्री इंटू टू था ये रिवर्स हो जाएगा तो क्या हो जाएगा टू इंटू थ्री तो यहाँ पर मैं ए जो हो जाएगा वो टू इंटू थ्री ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा अच्छा अगर ये मैट्रिक्स को फिर से ट्रांसपोज ले यानी ए का फिर से ट्रांसपोज ठीक है इक्वल टू तो फिर से ये जो कॉलम है वन टू ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा रो में फर्स्ट रो ये जो सेकेंड कॉलम था थ्री फोर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा सेकेंड रो तो थ्री फोर सेकेंड कॉलम तो ये थ्री फोर सेकेंड रो हो गया इसी तरह से फाइव सिक्स कितना कॉलम हो गया फाइव सिक्स तीसरा कॉलम है तो ये फाइव सिक्स जो हो गया तीसरा रो में कन्वर्ट हो गया तो ये जो ए डैश का फिर से डैश यानी ए का ट्रांसपोज का फिर से अगर ट्रांसपोज लेंगे तो ये थ्री इंटू टू मैट्रिक्स का मिलेगा और आप इस मैट्रिक्स को देखो और ए मैट्रिक्स को देखो दोनों क्या है सेम है है ना क्योंकि वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो ये किसके बराबर हो गया ए के बराबर हो गया इसका मतलब ये हो रहा है कि कोई मैट्रिक्स का एक बार ट्रांसपोज लिया फिर उसका सेकेंड टाइम अगर ट्रांसपोज लोगे तो वापस किसके बराबर मिल जाएगा मैट्रिक्स ए के बराबर मिलेगा वापस वो किसके बराबर मिल जाएगा मैट्रिक्स ए के बराबर मिलेगा ठीक है तो ये तो बच्चों आपको मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है अब देखिए इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं नेक्स्ट ये जो ट्रांसपोज है इसके प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिसेस ट्रांसपोज का प्रॉपर्टीज को देखते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्यों इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे जब आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ोगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ोगे उसके प्रॉपर्टीज़ को देखोगे तो उस जगह पे आपको यह ट्रांसपोज का प्रॉपर्टीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए अगर आपको ट्रांसपोज का प्रॉपर्टीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तब तो आगे आप फंस जाओगे तो ये वीडियो को मैंने इसीलिए बोला है कि आप शुरू से अंत तक देखो तो आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो मैंने इसमें क्या लिखा हुआ है बच्चों कि लेट ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ सूटेबल ऑर्डर्स ऑर्डर्स लिखने का मतलब ये हो गया कि इस तरह से ऑर्डर लिया हुआ है कि प्रोडक्ट डिफाइन हो दोनों का सम डिफाइन हो समझ रहे हो तो इस तरह से सुटेबल ऑर्डर लिया हुआ है तो पहला प्रॉपर्टी हो गया कि कोई मैट्रिक्स ए है उसका ट्रांसपोज लिया फिर उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो वापस मैट्रिक्स ए मिल जाएगा पिछला जो हम लोग ने प्रूफ अभी किया था सेकेंड प्रॉपर्टी ये है बच्चों कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है उसको स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं के इज एनी स्केलर कोई स्केलर है ठीक है के इंटू ए तो उस मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होगा वो इक्वल हो जाएगा के इंटू ए ट्रांसपोज के इंटू ए ट्रांसपोज यानी मैट्रिक्स ए और उसका स्केलर मल्टीप्लिकेशन के उसका होल अगर ट्रांसपोज लेंगे तो वो बराबर हो जाएगा स्केलर इंटू ए ट्रांसपोज स्केलर इंटू ए ट्रांसपोज ठीक है क्योंकि स्केलर का ट्रांसपोज करोगे तो आपको स्केलर ही मिलेगा तो यहाँ पर मैं k इंटू ए डैश लिखेंगे हम लोग सारे प्रॉपर्टीज को यहाँ पर मैं देखेंगे भी प्रूफ करके तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है प्रॉपर्टीज को पहले समझो एक तीसरा प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स a प्लस बी का सम उसका ट्रांसपोज अगर लेंगे दैट इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज प्लस बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज यानी दो मैट्रिक्स को सम करके ट्रांसपोज लीजिए तो दोनों मेट्रिकस का जो इंडिविजुअल ट्रांसपोज होगा उसके सम के बराबर होगा ये तीसरा प्रॉपर्टी है फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है बच्चों कि अगर दो मैट्रिक्स ए इंटू बी है और दोनों का प्रोडक्ट आप लेते हो और उसका ट्रांसपोज लेते हो तो दैट इज इक्वल टू बी डैश यानी बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज यहाँ पर दोनों का ऑर्डर को ध्यान से देखिए आपने लिया है ए और बी का प्रोडक्ट उसका ट्रांसपोज ले रहे हैं तो वो बराबर होगा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज ऑर्डर को ध्यान से देखना है ठीक है ए इंटू बी ट्रांसपोज इक्वल टू पहले आ जाएगा बी बी का ट्रांसपोज इन टू ए का ट्रांसपोज तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो कि आपको याद रखना है एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ अब देखिए सारे प्रॉपर्टीज़ को वन बाय वन एग्जांपल से हम लोग देख लेते हैं मैंने के मैट्रिक्स लिया है ए मैट्रिक्स इक्वल टू वन फोर टू नाइन ठीक है मैट्रिक्स बी लिया हुआ है टू थ्री सिक्स नाइन अब यहाँ ए ट्रांसपोज अगर लिखते हैं तो पहला रो वन फोर किस में चला जाएगा पहला कॉलम में वन फोर इसी तरह से जो सेकेंड रो है टू नाइन ये सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट हो गया टू नाइन ठीक है तो ये ए डैस हो गया अब अगर ए डैस का फिर से ट्रांसपोज लेंगे तो ये जो कॉलम है वन फोर ये किस में चला जाएगा रो में तो फर्स्ट रो हो गया वन फोर इसी तरह से ये जो कॉलम है टू नाइन सेकेंड कॉलम ये किस में हो जाएगा सेकेंड रो टू नाइन तो वापस ये किसके बराबर हो गया ए के बराबर हो गया यानी मैट्रिक्स ए और ए ट्रांसपोज और फिर से उसका ट्रांसपोज दोनों क्या हो गया इक्वल हो गया ठीक है तो ये यह आपको यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो गया कि मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज और फिर से उसका ट्रांसपोज दोनों क्या हो गया इक्वल हो गया तो हम लोगों का जो पहला प्रॉपर्टी है ये हम लोगों ने यहाँ पर मैं प्रूफ कर लिया इसी तरह से सेकंड प्रॉपर्टी मैंने क्या लिखा कि लेट के इक्वल टू थ्री के को हमने थ्री मान लिया कोई स्केलर है उसको थ्री मान लिया अब देखो मैट्रिक्स ए को थ्री से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ पर मैं थ्री इंटू वन थ्री थ्री इंटू थ्री इंटू फोर थ्री इंटू फोर कितना हो जाएगा बच्चों ट्वेल्व थ्री इंटू टू सिक्स थ्री इंटू नाइन कितना हो गया ट्वेंटी सेवन तो ये मेरे पास के इंटू ए का वैल्यू आ गया के को मल्टीप्लाई कर दिया और आपको पता है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में ईच एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज मल्टीप्लाइड बाई दैट एलि दैट स्केलर अब यहाँ पर मैं क्या कर रहे हैं के इंटू ए जो मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज ले रहे हैं तो इसका ट्रांसपोज लेंगे तो क्या होगा ये थ्री ट्वेल्व फर्स्ट रो है ये फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो गया थ्री ट्वेल्व ये सिक्स ट्वेंटी सेवन सेकेंड रो है सिक्स ट्वेंटी सेवन क्या है सेकेंड रो है तो ये सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट हो गया सिक्स ट्वेंटी सेवन तो इसी तरह से यहाँ पर मैं आप देख सकते हो कि अगर एडेस लिखते हो तो एडेस कितना आया हुआ था एडेस आया हुआ था वन टू फोर नाइन वन टू फोर नाइन अब इस एडेस को आप थ्री से मल्टीप्लाई कर दो तो थ्री से जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे थ्री इंटू वन थ्री थ्री इंटू टू सिक्स थ्री इंटू फोर ट्वेल्व थ्री इंटू नाइन कितना हो गया ट्वेंटी सेवन तो ये जो के एडेस है और ये के ए का होल एस दोनों क्या हो गया बच्चों इक्वल हो गया आप देख सकते हैं कि दोनों मैट्रिक्स क्या हो गया दोनों मैट्रिक्स हमारे पास में इक्वल हो गया थ्री सिक्स ट्वेल्व ट्वेंटी सेवन थ्री सिक्स ट्वेल्व ट्वेंटी सेवन तो ये दो मैट्रिक्स क्या हो गया इक्वल हो गया ठीक है बच्चों तो ये हमारे पास में सेकेंड प्रॉपर्टी यहां पर में हो गया अगर हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें अगर हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें तो थर्ड प्रॉपर्टी को आप देख सकते हैं यहां पर में थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि ए मैट्रिक्स है बी ले लिया है मैंने अभी ए का भी ट्रांसपोज ले लिया ए अगर वन फोर टू नाइन है तो ए का ट्रांसपोज हो जाएगा वन टू फोर नाइन इसी तरह से बी का ट्रांसपोज कितना हो जाएगा टू सिक्स फर्स्ट कॉलम है तो ये फर्स्ट रो में कन्वर्ट हो गया थ्री नाइन फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम है तो सेकेंड रो में कन्वर्ट हो गया थ्री नाइन अब दोनों का सम कर दीजिए ए डैश प्लस बी डैश ए डैश और बी डैश है दोनों को सम कर दीजिए तो वन और टू थ्री थ्री एट सेवन और एटीन ये ए डैश प्लस बी डैश हो गया अब आप ए प्लस बी निकालो ए प्लस बी निकालोगे तो वन प्लस टू कितना हो गया थ्री वन प्लस टू थ्री टू प्लस सिक्स कितना हो गया टू प्लस सिक्स एट फोर प्लस थ्री फोर प्लस थ्री कितना हो गया सेवन और नाइन प्लस नाइन कितना हो गया एटीन अब ये a प्लस बी का अगर ट्रांसपोज लेते हो a प्लस बी का ट्रांसपोज लेते हो तो थ्री सेवन ये फर्स्ट रो है ये फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो गया थ्री सेवन ये एट एंड एटीन सेकेंड रो में है तो ये सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट हो गया एट एंड एटीन तो a प्लस बी का ट्रांसपोज a प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू एडेस प्लस बी डेस तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए डेस प्लस बी डेस ये भी प्रूफ कर दिया ठीक है तो आपको ध्यान रखना है और याद रखना भी बहुत आसान है कि दो मैट्रिसेस का अगर सम करते हैं और उसका ट्रांसपोज लेते हैं तो वो मैट्रिक्स इक्वल होता है दोनों मैट्रिकस का इंडिविजुअल ट्रांसपोज के सम के बराबर जो फोर्थ प्रॉपर्टी को देखिए फोर्थ प्रॉपर्टी में क्या है ए इंटू बी ए इंटू बी अगर हम लोग लिखते हैं तो ए इंटू बी इक्वल टू कितना होगा जैसे मैंने ए इंटू बी लिखा तो वन फोर टू नाइन टू थ्री सिक्स नाइन जब ए इंटू बी करेंगे तो बच्चों ट्वेंटी सिक्स थर्टी नाइन या फिफ्टी एट या एट्टी सेवन या आएगा आप चेक करके देख लेना क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ मेट्रिक को हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं अब अगर ए इंटू बी का अगर ट्रांसपोज लेते हैं इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ट्वेंटी तो ये कॉलम में कन्वर्ट हो गया ट्वेंटी सिक्स थर्टी नाइन इसी तरह से अगर हम लोग फिफ्टी एट और एट्टी सेवन की बात करें तो फिफ्टी एट एट्टी सेवन हो गया अब यहां पर मैं आप क्या करो बी का कंजुगेट निकालो या बी का ट्रांसपोज लिखो बी डैस तो बी डैस हो जाएगा टू सिक्स थ्री नाइन ए डैस लिखेंगे तो ये हो जाएगा वन टू फोर नाइन और दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो आ जाएगा ट्वेंटी सिक्स फिफ्टी एट थर्टी नाइन एट्टी सेवन तो यहाँ पर मैं जो प्रॉपर्टी हम लोग ने लिखा था कि ए इंटू बी अगर दो मेट्रिस का प्रोडक्ट करके उसका ट्रांसपोज लेते हैं तो वो बराबर हो गया किसके बी डैस इंटू ए डैश ऑर्डर चेंज हो जाता है जैसे पहले ए था फिर बी था उसका ट्रांसपोज लिया जो राइट हैंड साइड होगा उसमें पहले क्या आ गया बी बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज तो ये आपको ध्यान रखना है तो ये प्रॉपर्टी हो गया बच्चों ठीक है अब इसमें एक दो एग्जांपल्स हम लोग देख सकते हैं एग्जांपल्स में आप क्या करना कि यहाँ पर मैं एक्सरसाइज थ्री पॉइंट थ्री का जो एन सी आर टी है उसमें आप क्वेश्चन नंबर वन टू थ्री फोर फाइव जो है ईजीली सॉल्व कर सकते हो इन सारे प्रॉपर्टीज़ में मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ क्वेश्चन नंबर वन टू थ्री फोर फाइव एक्सरसाइज थ्री पॉइंट थ्री का आप इजीली सॉल्व कर सकते हो ठीक है अब देखो एक एग्जांपल लिया है एक मैट्रिक्स लिया है ए इक्वल टू कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा तो आपको वेरीफाई करना है कि ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का होगा ये मैट्रिक्स टू इंटू टू ऑर्डर का है तो ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा ये भी टू इंटू टू ऑर्डर का होगा तो देखो प्रूव करना बहुत आसान है मैट्रिक्स ए को लिया है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा अगर एडेस लिखेंगे तो ये रो और कॉलम इंटरचेंज हो गया तो यहाँ पर मैं कॉस माइनस साइन कॉस माइनस साइन ये जो साइन और कॉस है ये सेकेंड रो में कन्वर्ट हो जाएगा साइन कॉस अब दोनों को प्रोडक्ट कर दीजिए एडेस इंटू ए जो ए एस है और इसको ए को प्रोडक्ट करना है तो कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वार अल्फा माइनस साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा माइनस साइन तो प्लस साइन स्क्वायर अल्फा तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा आप यहाँ पर देखो कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा यहां पर मैं साइन इंटू कॉस साइन इंटू कॉस कॉस इंटू माइनस साइन माइनस कॉस इंटू साइन ठीक है और अगर इसकी बात करेंगे तो साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा आपको पता ही है वन ये वाला क्या हो गया जीरो ये वाला जीरो ये वाला वन तो वन जीरो जीरो वन और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है टू इंटू टू ऑर्डर का तो जो हम लोगों को प्रूफ करने दिया हुआ था कि ए का ट्रांसपोज और ए का जो प्रोडक्ट होगा ये आई टू इंटू टू मैट्रिकस के बराबर हो गया इसका जो नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखें बच्चों तो इसमें क्या है एक मैट्रिक्स लिया हुआ है ए इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइनअल्फा कॉस आल्फा आपको दिया हुआ है ए प्लस ए डैस यानी ए और ए का जो ट्रांसपोज है उसका सम दिया हुआ है आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो आपको वैल्यू ऑफ अल्फा निकालना है तो अल्फा का वैल्यू कैसे निकालेंगे पहले मैट्रिक्स ए को देख लीजिए अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा अल्फा ए ट्रांसपोज यानी ये जो पहला रो है अल्फा माइनस साइन अल्फा ये किस में कन्वर्ट हो गया पहला कॉलम में अल्फा माइनस साइन अल्फा ये साइन कॉस है तो ये वाला हो गया साइन कॉस तो ए प्लस एडेस ए प्लस एडेस इक्वल टू कितना हो जाएगा कॉसल्फा प्लस कॉस अल्फा कितना हो गया टू कॉसअल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा जीरो साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा जीरो कॉसअल्फा प्लस कितना हो गया टू कॉसल्फा तो ए प्लस एड जो हो गया ये टू कॉसल्फा जीरो जीरो टू कॉसल्फा के बराबर हो गया ए प्लस एड ठीक है और ए प्लस एड क्या है आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स i यानी वन ज़ीरो जीरो वन ठीक है आइडेंटिटी मैट्रिक्स टू इंटू टू ऑर्डर का होगा क्योंकि अगर लेफ्ट हैंड साइड टू इंटू टू है तो राइट हैंड साइड में क्या होगा टू इंटू टू का होगा तो टू इंटू टू का कितना हो गया वन जीरो जीरो वन अब आप देखो ये एलिमेंट जीरो ये वाला एलिमेंट जीरो ये एलिमेंट जीरो ये वाला एलिमेंट जीरो तो प्रूफ किसको करना है टू कॉस अल्फा जो है वो किसके बराबर हो जाएगा वन और ये भी टू कॉस अल्फा किसके बराबर हो गया वन यानी टू कॉस अल्फा इक्वल टू वन तो कॉस अल्फा का वैल्यू हो गया हाफ कॉस अल्फा हाफ तो आपको पता है अल्फा इक्वल टू सिक्सटी डिग्री यानी पाई बाई थ्री रेडियन पाई बाई थ्री रेडियन तो आपको ऑप्शन कौन सा हो गया ऑप्शन बी पाई बाई थ्री रेडियन ठीक है ऑप्शन बी हो गया इफ़ द वैल्यू ऑफ अल्फा इज़ तो अल्फा का वैल्यू क्या हो गया ऑप्शन बी बी फॉर बॉम्बे पाई बाई थ्री रेडियन तो इस तरह से बच्चों हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आपको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और आप हम लोग जो नेक्स्ट क्लास होगा बच्चों इसमें हम लोग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का जो आगे का पार्ट है सीमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सीमेट्रिक मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे तो बच्चों आप ये जो क्वेश्चन हमने लिखवाया है एन सी का वन टू थ्री फोर फाइव और क्वेश्चन नंबर सिक्स हमने यहाँ पर मैं सॉल्व कर दिया आप उसको सॉल्व करके देखना एंड बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगा तो बच्चों आप इस सेशन को अगर आपको अच्छा लगे तो आप इस सेशन को शेयर जरूर करिए एंड लाइक like भी करिए एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करिए हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो है उसको बहुत जल्द हम लोग अपलोड करेंगे थैंक यू डियर स्टूडेंट्स